बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ तीसरा संस्कृत का पढ़ेंगे, उसकी हिंदी देखिए। संसारे नरत्वम दुर्लभम, संसार में नर बहुत दुर्लभ होते हैं। मानवो शरीरम धृत्वा, मनुष्य का शरीर धारण करके तीन सूत्राण धारित्याभ्यान और तीन सूत्रों को धारण करते हैं। पहला उद्देश्य है प्रथम उद्देश्य है उद्योग, काम करना, परिश्रम करना। उद्योगों बिना मानव शरीर व्यर्थम पतियते, उद्योग के बिना मानव का शरीर जो है व्यर्थ है। यस देशस्य जनाय उद्योगम श्रेष्ठ मानते, जिस देश के लोग उद्योग को श्रेष्ठ मानते हैं ते फलतां प्राप्तम, वह बहुत फलीभूत होते हैं, प्राप्त होते हैं। बालकानां ज्ञानार्थम एवं विकासार्थम, बालकों के ज्ञान एवं विकास के लिए उद्योग शिक्षा अति परम आवश्यकम, उद्योग शिक्षा जो है पर अतियो परम आवश्यकम, परम अतियो बहुत आवश्यक है। अन्यथा अस्माकं देशः विकासम नैवाधि भविष्यत, नहीं तो हमारा देश विकास की तरफ नहीं जाएगा। जना संसारस्य उन्नति उद्योगम कुर्या, लोग संसार की उन्नति के लिए उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, परिश्रम करते हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहो में लक्ष्मी, और उद्योगी पुरुष की जो है पुरुषों की लक्ष्य सिंह के समान लक्ष्मी होती हैं। सिंह सिद्धांते वयम उद्योगम कुर्याम, और सिद्धांत हम सब अपने उद्योग को करेंगे सिद्धांत से ही हम लोगों का उद्योग किया करता है। भक्ति, दूसरा उद्देश्य क्या है, भक्ति। प्रातः काल सायंकालम पर्यंतम उद्योगम कृत्वा देवाराधनम करणीयम, प्रातः काल और सायंकाल जब अपना उद्योग परिश्रम करके जब खाली होते हैं तो देवाराधना करते हैं, भगवान की प्रार्थना करने चाहिए। प्रातः ब्रह्महूर्ते, प्रातः काल ब्रह्महूर्त में प्रातः संयम त्यागम कृत्वा, अपने बिस्तर को त्याग देना, त्याग करके नित्य क्रियोपरांत दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के परमेश्वरम स्मरण, भगवान का स्मरण करते हैं। ध्यानस करणे, और उनका ध्यान करना चाहिए। शास्त्रों शास्त्रे भक्ति नौ प्रकाशा होन, शास्त्र में नौ प्रकार की भक्ति को प्रकाशित हो किया गया है। इमाम नवदा भक्ति कथ्यते, इसमें से इसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। तास केशव कीर्तनम श्रेष्ठा भक्ति ही, उनमें से केशव कीर्तनम केवल भगवान का कीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। गीतायाम अस्याम च महत्व प्रतिपादितम, गीता में इसी को इसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है, समझाया गया है। श्री कृष्ण गीतायाम श्री कृष्ण स्वयं न वक्तुं तेना, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि श्री कृष्ण स्वयं हैं और उसमें न कोई वैकुंठ नहीं है। तृतीय उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य जो है मानव सार्थ का कर्म, यद अधीतम च अधिपतिम, और मानव के सार्थक शरीर का जो है अधिपत्य है, अर्थात किंचित किंचित संग्रह कृत्वा, और जिसमें अर्थात थोड़ा थोड़ा संग्रह करके दानम करणीयम, दान करना चाहिए। संसारे अनेकान वस्तून दानियों ज्ञान संति, संसार में अनेकों वस्तुएं दान में दान होते हैं, किंत विद्यादानम महादानम भवत, दानों में अब अनेकों ज्ञान होते हैं किंतु विद्यादान जो है सबसे बड़ा महादान है। यतः इदम् सर्वधनं प्रधानं धनं भूत, यह धन जो है सभी विद्याधन जो है सभी धनों में प्रधान होता है। इदम्
कृते अपि नित्य मर्जते, यह व्यय करने से बढ़ता है और इकट्ठा करने से घटता है। न कदा क्षयम्, यह कभी नष्ट नहीं होता है। अतः विद्याध्ययनम अध्यापनस्य योग जीवनस्य मुख्य उद्देश्यमस्ति। अर्थात विद्याध्ययन और विद्याध्ययन करना और विद्याध्ययन कराना, अध्यापन कार्य करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन आंसर, खाली जगह और संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये सब जो है अपने से आपको हल करना है। अगर इस पाठ में कोई आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन आंसर में, खाली जगह अनुवाद करने में कोई भी समस्या आती है, तो आप इसको पुनः पूछ सकते हैं। Nice.